हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी बाय कुलविंदर सिंह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाएं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाएं। जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, लाइक करें और शेयर करें। कल हमने पढ़ा था फॉर्जिंग और ब्लैकस्मिथ, तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिल तथा कटिंग स्पीड तथा फीड। ड्रिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन टॉपिक रहेगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो ITI कर रहे हैं। ड्रिल आज टॉपिक शुरू करते हैं। ड्रिल क्या होता है? ड्रिल एक एंड कटिंग टूल है, अर्थात सिरे से काटने वाला औजार है। इसके द्वारा धातुओं में सुराख किए जाते हैं। ड्रिल मुख्यतः तीन प्रकार के होती हैं। फ्लैट ड्रिल, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसमें 0.9% कार्बन और 1.5% कार्बन होती है, और जिसकी गोल रोड को भट्टी के अंदर गर्म करके वेपोर्ज करके बनाया जाता है। इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री का होता है तथा स्ट्रेट शैंक और रेचेट शैंक में मिलता है। इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंट्री शॉप में होता है, ठीक है। तो फ्लैट ड्रिल का अधिकतर प्रयोग कारपेंट्री शॉप में होता है। सेकंड पे हमारा स्ट्रेट पल्यूटेड ड्रिल। इस ड्रिल में दो स्ट्रेट पल्यूट एक दूसरे के समानांतर वह विपरीत स्थिति में काटे होते हैं। ट्विस्ट ड्रिल की अपेक्षा यह कम धातु काटता है। आमतौर पर यह छोटे साइजों में बना होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः नरम धातुओं की कटिंग में होता है, जैसे लांबा, पीतल और एलुमिनियम आदि। ये स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक दोनों में मिलते हैं। छोटे साइज के स्ट्रेट शैंक पल्यूटेड ड्रिल को यूरेका ड्रिल भी कहते हैं। इस ड्रिल का प्रयोग स्प्रे पंप की निप्पल में सुराख करने के लिए किया जाता है, और यह 0.0138 में 0.1964 इंच तक के साइजों में मिलता है। यह हाई कार्बन स्टील में हाई स्पीड स्टील का बना होता है। थर्ड पे हमारा ट्विस्ट ड्रिल। इस ड्रिल में कटिंग करने पर कटा हुआ बुरादा आसानी से बाहर आ जाता है और पुलेट कूलेंट भी आसानी से पहुंचता है, और यह हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्विस्ट ड्रिल किस का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। और इसके बीच के भाग में घुमावदार झिरियाँ कटे होते हैं। पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पर है टेंग। टेंग यह भाग केवल टेंपर शेंक ड्रिल में होता है। शेंक क्या होती है? ड्रिल का वह भाग जिसमें ड्रिल को ड्रिल चक में या ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में सीधे तौर पर फिट किया जाता है, उसे शेंक कहते हैं। यह चार प्रकार की होती है, स्ट्रेट शेंक, टेपर शेंक, रेचेट शेंक, बिट शेंक। स्ट्रेट शेंक को पैरेलल शेंक भी कहते हैं। यह ड्रिल चक में फिट होती है। स्ट्रेट शेंक ड्रिल 12.5 mm व्यास तक के होते हैं, जबकि इसमें ऊपर टेपर शेंक की होती है। टेपर शेंक मोर्स टेपर में होती है, जो MT0 से MT5 तक साइज में मिलती है। रेचेट शैंक और बिट शैंक दोनों ही टेपर स्क्वायर होती हैं। इनका प्रयोग रेचेट ब्रेस में किया जाता है। थर्ड पे हमारा नेक। नेक यह भाग भी केवल टेपर शैंक में होता है। यह शैंक और बॉडी के बीच का प्लेन सिलेंड्रिकल भाग होता है, जिस पर ड्रिल का साइज तथा मटेरियल लिखा जाता है। फोर्थ पे हमारा बॉडी। ड्रिल के जिस भाग में फ्लूटेड कटे होते हैं उसे बॉडी कहते हैं। फिफ्थ पे हमारा फ्लूट। ड्रिल की बॉडी में जो घुमावदार स्पिंडल ग्रूव कटे होते हैं उन्हें फ्लूट कहते हैं।
ड्रिल में जितने फ्लूट होंगे उतने कटिंग एज बनेंगे। चिप्स आसानी से निकलता है तथा कूलेंट पहुंचता है। सिक्स पे हमारा लैंड दो पोल्यूटेड के बीच में पूरी लंबाई में जो भाग होता है उसे लेड कहते हैं। सेवन पे हमारा मार्जिन, लेड के ऊपर जो चमकीली रेखा होती है उसे मार्जिन कहते हैं। ड्रिल का व्यास मार्जिन से मापा जाता है। मार्जिन की चौड़ाई 1 या 2 mm होती है। बॉडी क्लियरेंस, लेड पर मार्जिन को छोड़कर शेष भाग को बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। यह भाग सतह को स्पर्श नहीं करता है। यह ड्रिल के व्यास से कम साइज का होता है और इसे क्लियरेंस व्यास भी कहते हैं। 9 नंबर पर है हमारा पॉइंट, जहां दोनों कॉनिकल सतह आपस में मिलती हैं। 10th पे हमारा पॉइंट एंगल, ड्रिल के पॉइंट की कॉनिकल सतह आपस में जिस कोण पर ग्राइंड होती है उसे पॉइंट एंगल कहते हैं और यह धातुओं के अनुसार अलग अलग होता है। धातु का नाम और एंगल देख लेते हैं। माइल्ड स्टील के लिए 118 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कास्ट आयरन का कटिंग करने के लिए 118 डिग्री, तांबे की कटिंग करने के लिए 100 डिग्री, एलुमिनियम और अन्य नरम धातुओं की लेड या टील की कटिंग करने के लिए या ड्रिलिंग करने के लिए 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। कठोर लकड़ी के लिए 90 डिग्री, बेलना बेका लाइट और प्लास्टिक सख्त लकड़ी 80 डिग्री। कठोर स्टील जैसे स्टेनलेस स्टील, फोर्ज स्टील के लिए 140 डिग्री, कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री। आप ये हमारे नोट्स कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं लगाई है तो हमारे ये सीरियल वाइज हैं, टॉपिक वाइज, तो हम रोज़ाना एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं। अब हमारा फर्स्ट ईयर का जो है कंप्लीट होने वाला है तो आप इनको कॉपी के अंदर लिखते रहिए। 11 नंबर पर आया कटिंग एज, इनको लिप भी बोलते हैं। ड्रिल का कटाई करने वाला वह किनारा जहाँ से मार्जिन लाइन शुरू होती है। ड्रिल के कटिंग एज की लंबाई वह कोण बराबर होने चाहिए। ड्रिल का लिप कोण साधारण 59 डिग्री का होता है। लिप क्लियरेंस, कटिंग एज के पीछे वाले भाग को एक विशेष कोण पर ग्राइंड किया होता है जिसे लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। यह 8 डिग्री से 15 डिग्री के बीच होता है। यह नरम धातुओं के लिए अधिक तथा कठोर के लिए कम होता है। इसका कार्य घर्षण को कम करना है। क्लियरेंस कोण निम्न होते हैं, माइल्ड स्टील और कोण, माइल्ड धातु का नाम और कोण। माइल्ड स्टील के लिए 12 डिग्री से 15 डिग्री, पीतल के लिए 12 डिग्री तक, एलुमिनियम के लिए 12 से 15 डिग्री तक, कास्ट आयरन के लिए 8 से 12 डिग्री तक, हार्ड स्टील के लिए 8 से 10 डिग्री के लिए। 13 नंबर पर हमारा हिल, हिल क्या होती है। कटिंग एज से ठीक पीछे के भाग को हिल कहते हैं। यह जॉब की सतह को नहीं छूता। वेब क्या होती है, ड्रिल की धुरी पर दोनों प्लूट के बीच में जो धातु बिछती है उसे वेब कहते हैं और यह पॉइंट से ऊपर की तरफ मोटी होती है। चिजल एंज एंगल, कटिंग लिप और चिजल एंज के मध्य में जो कोण होता है उसे चिजल एंज कहते हैं। यह 120 डिग्री से 135 डिग्री होता है। इसे वेब एंगल भी कहते हैं। 16 नंबर पर आया होलिक्स एंगल, इसे पल्यूट एंगल या रैंक एंगल भी कहते हैं। ड्रिल की धुरी पर पल्यूट जिस कोण पर बने होते हैं उसे लिप कोण कहते हैं। यह कोण पल्यूट की लीड से संबंध रखता है। यह 3 टाइप से होता है। आमतौर पर हेलिक्स कोण 27.5 डिग्री का होता है। एच टाइप ड्रिल का हेलिक्स कोण 10 डिग्री से 13 डिग्री, एन टाइप ड्रिल का हेलिक्स कोण 16 से 30 डिग्री, एस टाइप की ड्रिल का हेलिक्स कोण 35 से 40 डिग्री। चक्कर प्रति मिनट, ड्रिल द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्कर को चक्कर प्रति मिनट कहते हैं। कटिंग स्पीड, ड्रिल द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्करों द्वारा
तय दूरी को कटिंग स्पीड कहते हैं। यह मीटर प्रति मिनट या फुट प्रति मिनट में मापी जाती है। फॉर्मूला ऑफ कटिंग स्पीड सॉरी दोस्तों थोड़ी सी खांसी हो गई थी। फॉर्मूला ऑफ कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड RDN 1000 यहाँ डी जो होता है डायमीटर ऑफ ड्रिल, एन जो होता है चक्कर प्रति मिनट, आर तो रेडियस होगी, कटिंग स्पीड फुट प्रति मिनट, RDN बटा 12। विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट, कटिंग स्पीड धातु का नाम कटिंग स्पीड ठीक है, माइल्ड स्टील व मीडियम कार्बन स्टील 20-37 मीटर प्रति मिनट, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील व हाई टेंसाइल स्टील 5-8, पित्तल 35-50, कांसा 20-35, तांबा 35-45, ग्रे कास्ट आयरन 25-40, एलुमिनियम और अलॉय 70-100, वाइट कास्ट आयरन 12-18, मेलिएबल कास्ट आयरन 24-27, ड्रिल की फीड, ड्रिल द्वारा एक चक्रों में जितना अंदर काटते हुए जाता है उसे फीड कहते हैं। इसे mm प्रति चक्कर या इंच प्रति चक्कर में मापते हैं। फीड विभिन्न व्यास के ड्रिलों के लिए यह लिखी हुई है, आप कॉपी के अंदर लिख लीजिए, बाद में पढ़ लेना। आगे है कैलकुलेशन ऑफ ड्रिलिंग टाइम, ठीक है ये भी आप कॉपी में लिख लीजिए, और ये भी ड्रिलिंग टाइम ठीक है, फीड डिस्टेंस, फीड रिवो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे हम ड्रिल 200 तथा प्रकार, हमारी वीडियो देखना ना भूलें, आज कुछ हमारी तबीयत ख़राब है इसलिए वीडियो सही से नहीं बना पाए। नेक्स्ट वीडियो होगी जो हमारी ड्रिल 200 तथा प्रकार, देखना ना भूलें।